मछली। मम्मी कितनी सारी चीजें बनाकर भेजी है। वैसे मैं भी थोड़े सैंडविचेस लेकर आई हूँ। मछली पकड़ेंगे। अगर तुम मछली पकड़ना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है सब्र, समझे? काफी अच्छी हवा है ना यहाँ पर। लेकिन मैं हवा से ज्यादा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। इसमें एकदम नई रील है। अब तुम काफी मछलियाँ पकड़ सकते हो। ये इतने भी बड़े नहीं हैं। अरे नहीं, सुनियो जान भी आई है। नोबिता तुम यहाँ हो और शिजुका तुम भी हो। मिस्टर नोबी, और आप भी यहाँ पर हो? कैसे हैं आप? आपकी रील तो सच में बहुत अच्छी है। मैं तो आज इसे पहली बार इस्तेमाल करूँगा। लगता है आप इसे काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो मछली पकड़ते हैं। मैं चलता हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है? आपने जल्दी पकड़ ली थी। लंच का इंतजाम हो गया। हाँ हाँ, हम आराम से मछली पकड़ सकते हैं। सही कहा आपने। तुमने मछली पकड़ने के बाद उसे छोड़ क्यों दिया? हाँ, वैसे अगर हम ज्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे हम सब नहीं खा पाएंगे। लगता है मैंने फिर से पकड़ ली। मैं जा रहा हूँ अब। हमने कितनी जल्दी मछलियाँ पकड़ ली। सुनियो, तुम्हें पता है मेरे दादी बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। अच्छा, चलो मुकाबला करते कि कौन बड़ी मछली पकड़ेगा। लगता है उन्होंने बड़ी मछली पकड़ी है। जरूरी नहीं कि मछली बड़ी हो, पुराने तरीके से मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और है। ये बहुत बड़ी मछली लग रही है। कहीं कोई केकड़ा ना हो। ब्लैक बास की जगह ये तो खेलने वाले बस निकली। डैड, आप भी मछली के बारे में सोच रहे थे ना? पीछे नदी में तुम बहुत मछलियाँ पकड़ सकते हो। वैसे तो मैं इस बात को तुम्हें बताना नहीं चाहता था। सच में? कि वो नदी का राजा है। ये रही नदी। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हमें बड़ी मछलियाँ मिलेंगी। सच में डैड? हाँ, कितनी सुंदर जगह है। अरे यहाँ बारिश का पानी तो अभी तक नहीं सूखा। लगता है मछली जल्दी नहीं मिलने वाली। ये बारिश का पानी है? मतलब सुनियो ने हमसे झूठ कहा था। हम क्या करें? मैं डैड को तो नहीं बता सकता ना। मछली नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कुछ डालेंगे। इस कैसे की मदद से हम किसी भी चीज को उसके असली रूप में लौटा सकते हैं। जैसे कि इस राइस बॉल को देखो। चावल घास बन गया और प्लम वापस अपने पेड़ पर चला गया। बस एक प्लम और वापस पूरा पेड़ कैसे बन गया? रिटर्न लाइट की मदद से कोई भी चीज उसके असली रूप में लौट जाती है। इसी की मदद से हम अपने खाने को असली रूप में बदल देंगे। इसे अपने असली रूप में बदल दो। लेकिन ये तो एक समुद्री मछली है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। सी वाज अ मैन। इसे तालाब में मिलाते ही ये समुद्र बन जाएगा। तुझे भी ये करने दो ना। हाँ। अब मैं इस पर कोशिश करता हूँ। これはどうかな?
हमारा लंच दोबारा असली चीजों में बदल गया है। सुनो, मैं तुम्हें मछली पकड़ रही हूँ। देखा कितनी बड़ी मछली है, बोनीटू। क्योंकि वो बोनीटू केक से बनी है। देखो नोबिता, हमने 50 सेंटीमीटर की मछली पकड़ी है। इसे पकड़ना काफी मुश्किल था। अरे ये बहुत तेज़ हो रहा है, जल्दी आओ। एक बड़ी सी सामर मछली। मुझे लगता है कि ये कोई मामूली तालाब नहीं है। हम नोबिता से कभी नहीं हारेंगे, समझे? यहाँ पर मत आना। अरे कोई बात नहीं नोबिता। वहाँ मछली की परछाई दिख रही है। सुनियो, तैयार रहो। मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा। वो कितने मजे कर रहे हैं। वो असल में हमारा लंच था, लेकिन उसे वो लोग लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप हमारे हाथ कुछ भी लगेगा। कुछ तो पकड़ में आया हूँ। ये वो क्या था? डैड, मछलियों का राजा। ये क्या? मैं उसे कैसे भी करके पकड़ के रहूँगा। ये क्या है डैड? ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, अगर बड़ी मछली भी आती है तब भी ठीक है। ग्रेट ऑमलेट में इससे ये और मजबूत बन जाएगा। ये किस तरह की मछली थी? आज हमारे लंच में तो सैल्मन, बोनेटो और प्लम का अचार था। इसके अलावा थोड़ी मछलियों का पेस्ट भी था। यकीन नहीं हो रहा, 50 मीटर लंबी मछली है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है वो कहीं आसपास ही है। मुझे कहीं दिख नहीं रही है। वो है क्या? कितनी भारी है। अरे क्या हुआ डैड? ये तो हिल भी नहीं रही है। लगता है ये शायद जड़ों में फंस गई है।